Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईयर 2023 के अभी के क्वेश्चंस पेपर है एक सीबीएसई स्कूल के क्लास 6 के कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर. तो चलिए क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है. कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके भी आपको बताती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है और 2 घंटे का टाइमिंग है. इंस्ट्रक्शन है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 4 सेक्शन. 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 4 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. सेक्शन बी इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन एंड ईच कैरीज 2 मार्क्स. सेक्शन सी इट कंसिस्ट 3 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. सेक्शन डी इट कंसिस्ट 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो चलिए सबसे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शंस में आ जाता है नंबर 1 गूगल ड्राइव ऑफर फ्री फ्रॉम इट्स यूजर इंटरनेट डेटा स्टोरेज स्पेस या इंटरनेट. करेक्ट आंसर हो जाता है स्टोरेज स्पेसेस. गूगल ड्राइव हमें क्या करता है स्टोरेज स्पेसेस जो है ये फ्री में प्रोवाइड करता है. नंबर 2 अनवांटेड एंड अननेसेसरी सोशल और एडवर्टाइजमेंट ईमेल आर नोन एज क्या होता है स्पम बॉम्ब्स या ब्लॉक्स. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्पम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्नॉलेज इन ऑथर वर्क इज नोन एज प्लैगियरिज्म सिटिएशन रेफरेंसिंग. चलिए इसका आप सॉल्व करके हमें बताएंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करके बताऊं तो प्लीज कमेंट में हमें अवश्य लिखें तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. तो चलिए अभी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आए हैं. नंबर 4 स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू सेट अप अनकंडीशनल एंड अनडिफाइंड लूप. नंबर ए इफ देन बी इफ देन एल्स सी गो टू. नंबर 5 इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू ए रेड बी रेड लाइन सी रेड नंबर. नंबर 6 डैश आर सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स ए पंचुएटर बी ऑपरेटर सी वेरिएबल्स. नंबर क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स है. नंबर 1 एट सी जो है सिंबल रिफर्स टू क्या होता है कॉपीराइट्स को करता है ये किसको करता है आपको यहाँ लिखना है. यहाँ आंसर क्या हो जाता है कॉपीराइट. कॉपीराइट ये हमारा इसका आंसर हो जाता है कॉपीराइट. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट. कांस्टेंट को हम क्या नहीं कहते हैं तो इस कॉल्ड हो गया हमारा क्या हो गया ये दिस इज कांस्टेंट. अ वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड जो वैल्यू चेंज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 3 डैश डेटा ऑलवेज इंक्लोज द डबल क्वोटा. नंबर 4 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन स्मॉल बेसिक. नंबर 5 डैश आर द वायरसेस विच एक्टिवेट देमसेल्फ आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. इसको आप फिलअप करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है. कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें वैसे बताइए कि आपने क्या इसका आंसर सॉल्व किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. मैच द फॉलोइंग है फ्लो चार्ट. ये कुछ वर्ड दिए गए हैं इसको हमें मैच करना है. फ्लो चार्ट लुपिंग ई लर्निंग ट्रांसलेटर क्रैकर्स. नंबर 1 इंटरनेट सर्विसिंग क्या हो गया ये हमारा ई लर्नर ये ई लर्निंग हो गया. कंप्यूटर क्राइम क्या हो गया क्रैकर्स हो जाता है. पिक्टोरियल फॉर्म फ्लो चार्ट. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल स्ट्रक्चर ये हमारा हो जाता है लूपिंग एल डबल ओ पी आई एन जी लूपिंग हो जाता है. एंड कंपाइलर ट्रांसलेटर इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर. ये हो गया कंपाइलर क्या हो जाता है ट्रांसलेटर हो जाता है. तो ये इसके हो गए मैच द फॉलोइंग ये हमने सॉल्व कर दिए हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं.
नंबर फोर आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड में इसके आंसर देना है। आप आंसर हमें जरूर कमेंट में लिखें और बताएं कि आपने क्या सॉल्व किया है। नंबर वन, विच स्टेटमेंट इज यूज टू जम्प टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक। कौन से स्टेटमेंट को जम्प किया जाता है जब डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम में स्मॉल बेसिक होता है। इन स्मॉल बेसिक बैंड वर्ड आर रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग। डुप्लीकेटिंग, नंबर थ्री, डुप्लीकेटिंग द ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेवलपर पैकेज इज कॉल्ड। डुप्लीकेटिंग ओरिजिनल कॉपी डेवलपर जो है उसको पैकेज को क्या कहा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लॉग इज कॉल्ड। मोस्ट कॉमनली ब्लॉग जो यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। एंड नंबर फाइव, मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट नम रिटर्न विच टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ ए नंबर इन स्मॉल बेसिक। नेक्स्ट सेक्शन सी है डिफाइन द टर्म्स। इस टर्म्स को हमें डिफाइन करना है। कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर, ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी के अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर वन, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स। हाई लेवल लैंग्वेज के दो एडवांटेज हमें लिखने हैं और उसके दो एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। नंबर टू, राइट थ्री नेम्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक में ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के थ्री नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। एंड नंबर थ्री, राइट एनी सिक्स पोटेंशियल थ्रेट्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट। सिक्स पोटेंशियल थ्रेट्स हमें बताना है, लिखना है जब हम इंटरनेट के समय जिसको हम यूज करते हैं। सेक्शन डी, आंसर इन डिटेल्स। नंबर वन, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। एवरेज, थ्री नंबर्स के एवरेज को एल्गोरिथम फॉर्म में किस प्रकार हम लिखेंगे ये हमें बताना है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके बच्चे के एग्जाम नहीं हुए हैं तो ये क्वेश्चंस पेपर एक बार अवश्य सॉल्व करके देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पा रहे हो और कौन सा क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तो उसके आंसर में वो आपको बता दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। साथ ही आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।